गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय की पुरानी अनाज मंडी में सवाई माधोपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की नवीन शाखा का शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन और फीता काटकर किया गया। इस दौरान बैंक का अतिथियों द्वारा निरीक्षण भी किया गया। कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि राकेश कुमार गुप्ता, विशिष्ट अतिथि सीएल बुनकर, उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सवाई माधोपुर कार्यक्रम, अध्यक्ष रमेश चंद अग्रवाल, राधामोहन अग्रवाल, हरिओम पटेल, विजय कुमार गुप्ता, मंच संचालक राजा लक्ष्मीकांत शर्मा का, बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीरेंद्र कुमार गुप्ता सहित बैंक अधिकारियों ने माला साफा पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही वरिष्ठ व्यापारियों का भी सम्मान किया गया। बैंक में पहला खाता खुलवाने वाली महिला शक्ति रिंकी अग्रवाल का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि राकेश कुमार गुप्ता, विशिष्ट अतिथि सीएल बुनकर, रमेश चंद्र अग्रवाल द्वारा सहकारी बैंक के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई और बैंक की योजनाओं के बारे में बताया। अंत में मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीरेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा आए हुए सभी अतिथि और व्यापारियों का आभार व्यक्त किया। आइए देखते हैं कार्यक्रम की झलकियां। मैं बुलाना चाहूंगा स्वागत के लिए धर्मेंद्र गुप्ता, जिनका स्वागत करेंगे राधा मोहन, उन्हें भी लॉन्च स्वीकृति का प्रभाव है। जोरदार तालियां बजाएं ताकि उत्साहवर्धन हो सके। अति जिसका आज भव्य शुभारंभ हुआ है, जोरदार तालियां के लिए बजाएं। स्वागत करते हैं हम सब मिलकर, चेहरे पर मुस्कान और हाथों में फूल और माला लाए हैं। इनको भी प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। सरकार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं अभी यह सामने बहुत सुंदर बातें इस सहकारिता आंदोलन के बारे में बताई और किस प्रकार ये आगे बढ़ रहा है, और इसे कई वर्षों से ये सवाई माधोपुर में कार्यरत है। आज एक नई ब्रांच खुल रही है, उसी तरीके से आज मुझे है ना ये खुशी हो रही है कि एक से हम दो हुए, और मैं इसके लिए है ना हमारे स्टाफ टीम को प्लस संचालक मंडल की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो उन्होंने एक है ना अच्छा एक पॉजिटिव कदम उठाया। हम इतने अच्छे हैं कि अगर अपन थोड़ा सा रुचि लेंगे तो एक बहुत ही कोने में बैठा हुआ नीड बेस्ड पर्सन लाभान्वित हो सकेगा। ने बताया है कि ये बैंक जिसका रजिस्ट्रेशन 1990 में हुआ था, 29 मार्च 1990 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद में जब इस बैंक का कार्यक्रम विधिवत तरीके से चला तो इस बैंक को अगस्त 1994 में आरबीआई ने लाइसेंस दे दिया। उस लाइसेंस के बाद ये बैंक निरंतर अपनी जितनी भी इसकी कैपेसिटी थी, जितने मेंबर्स थे, उसके हिसाब से ये कार्यकर्ता रहा अनवरत। और उसके बाद में आप ये देखेंगे कि इसमें सवाई माधोपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सवाई माधोपुर ब्रांच के जितने भी सदस्य हैं, उन सदस्यों का जो इस बैंक के प्रति लगाव रहा है, इस बैंक से जो सेटिस्फेक्शन है उनका, चाहे इस बैंक की कर्मचारियों की सेवा हो, चाहे इस बैंक का
और अन्य सेवाएं हो, उन सबको देखते हुए अभी पिछले साल जो आम सभा हुई थी उस आम सभा में सभी ने ये निर्णय लिया एक मत से कि क्यों ना इस बैंक की शाखा इस सवाई माधोपुर से बाहर भी खोली जाए। ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।